आज जी सी में इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स क्या हालचाल तो भाई दिसंबर 2023 अटेम्प्ट का रिजल्ट आने वाला है भाई दिल की धड़कने हाई स्पीड पे भाग रही है मैं जानता हूँ भाई मेरे से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता क्योंकि भाई मैं भी इसी फेज़ में हूँ लेकिन यार देखो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई मैंने ना प्रीवियस के पाँच से छः सालों का जो आप लोगों का रिजल्ट का एनालिस है ना वो किया है बैठ के बहुत टाइम लगा है मुझे तो यार देखो मैं तुम लोगों को एक बेसिक मैथ बता देता हूँ आप लोगों के रिजल्ट के रिगार्डिंग देखो इस बार मेरे को जो है ना आप लोगों का पासिंग परसेंटेज जो लग रहा है वो अप्रॉक्सिमेटली लग रहा है कि आप लोगों का टेन परसेंट के प्लस जाने वाला है ये बात ग्रुप वन और ग्रुप टू दोनों की है यानी कि ग्रुप वन में भी टेन परसेंट के प्लस जा सकता है और ग्रुप टू में भी वहीं पर अगर मैं बात करूँ बौद्ध ग्रुप की तो फिफ्टीन परसेंट के प्लस जा सकता है ये मेरे को प्रीवियस ट्रेंड के एनालिसिस से पता चला है अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि यार ये तो बकवास कर रहा है अरे भाई बकवास नहीं है रिजल्ट आएगा ना जिस दिन उस दिन कमेंट करना कि तुम्हारी जो मैंने प्रिडिक्शन की थी रिजल्ट की वो क्या सही है या गलत है क्योंकि मैंने प्रीवियसली जो अपनों का जून का अटैम्प्ट हुआ था ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का उसके भी यही मैंने प्रिडिक्ट किया था कि कितनी पासिंग परसेंटेज आ सकती है और उतनी ही पासिंग परसेंटेज आ जाई जा गई थी तुम लोग है ना हम मेरा प्रीवियस जो है वीडियोज में चेकआउट भी कर सकते हो उसमें मैंने बता रखा था कि कितनी परसेंट जा सकती है तो भाई इस बार तुम्हारी जो पासिंग परसेंटेज है वो भाई बहुत शानदार जाने वाली है न्यू एंड ओल्ड सिलेबस दोनों का ही पेपर जो था वो बढ़िया हुआ था इस वजह से इस बार दोनों ही ओल्ड एंड न्यू सिलेबस का जो पासिंग परसेंटेज है वो अच्छा जाने वाला है रीज़न बिहाइंड क्या है सबसे पहले ओल्ड सिलेबस का आखिरी अटैम्प्ट था इस वजह से और न्यू वाले का सेकेंड अटैम्प्ट था जो कि एक फ्रेश बिल्कुल रॉकी वॉम में था इस वजह से आप लोगों का पासिंग परसेंटेज इस बार का बहुत अच्छा जा सकता है अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है कि यार डेट कब है टाइम क्या है और हमको रिजल्ट देखने को मिलेगा भी कि नहीं तो देखो इस चीज की टेंशन मत लो इंस्टीट्यूट आई ने भाई ऐसा खुद को बना लिया है एकदम कि भाई रिजिड हो गए हैं बिल्कुल कोई कुछ भी बोले उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को जो जैसा करना है वो वैसा ही करेंगे आप लोगों को बस मैं यही बोलूंगा स्टक रहो साइट पे रिजल्ट कभी भी डिक्लेयर हो सकता है फर्दर भाई आप लोगों के हम लोग यहाँ पे हैं आप लोगों के रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स है वो सब आप लोगों को दे देते हैं आई आई ने आप लोगों की डेट्स ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ फेबर बता रखी है बट इनके जो सी सी एम हैं और सी एम एज़ हैं उन्होंने ट्विटर पर कुछ आके ट्रेंड वरेंड चला दिया है कि भाई आप लोगों का रिजल्ट बीस तारीख को आ रहा है तो बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है मेरे को एक दो बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं कि भाई तू ये सब क्या डाल रहा है ये सब क्या डाल रहा है तो यार मैं उनको यही बोलूँगा कि भाई ये देखो यार अब जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है मैं उसके रिगार्डिंग जब जस्ट अवेयर कर रहा हूँ कि भाई ये ये चीज़ सर्कुलेट हो रही है तो थोड़ा अवेयर रहो फर्दर मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा बस दो लाइन में मेरी जो बात है उसको ख़त्म करूँगा जो होगा अच्छे के लिए होगा भगवान जो करते हैं सब अच्छे के लिए करते हैं बस क्योंकि भाई रिजल्ट आप लोगों के हाथ में नहीं है पेपर आप लोगों के हाथ में था जो आप करके आ चुके हो अब उसका जो रिजल्ट है वो देखते हैं भाई कैसा होता है मैं तो यही चाहूँगा कि भाई पासिंग परसेंटेज इस बार जैसे कि सीए की गई है ना वैसे ही सी एमएगी की जाए क्योंकि सीए की इस बार की पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छी गई थी तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना थैंक यू